हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से कोचिंग सेंटर का कैलेंडर पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार से कोचिंग सेंटर का कैलेंडर पोस्टर बना सको। दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी PNG PLP मटेरियल यूज़ हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 स्टेप में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को PNG चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए PixelLab एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए PixelLab एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पे 3 डॉट के निशान पे क्लिक करेंगे। नीचे ओपन PLP फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे PLP पे क्लिक करेंगे। यहाँ एरो के निशान पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे कोचिंग कैलेंडर पोस्टर PLP पे क्लिक करेंगे। ओपन एंड ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद बैक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा PLP फाइल ओपन हो जाएगा। अब इस PLP फाइल में हमको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग अपना कैलेंडर पोस्टर बनाएंगे कोचिंग सेंटर का। इसके लिए 3 डॉट के नीचे जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमको चेंज करना है उसे डिलीट करके या एडिट करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सफलता कोचिंग सेंटर। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अपने कोचिंग सेंटर का नाम लिख सकते हो। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने एड्रेस डाला हुआ है गांधी सर्कल भटनी रोड देवरिया। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हो। उसके लिए 3 डॉट के नीचे जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी सफलता कोचिंग सेंटर लिखा हुआ है उसे अनलॉक करके हम लोग अपने कोचिंग सेंटर का नाम लिख सकते हैं। साथ ही एड्रेस यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए जहाँ भी स्थान लिखा हुआ है वहाँ पर पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना एड्रेस अपडेट करके ओके कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है साइंस एंड आर्ट्स की अलग अलग व्यवस्था। दोस्तों, अगर आप लोग साइंस और आर्ट्स दोनों की कोचिंग दे रहे हैं तो यहाँ पे दोनों का नाम लिख सकते हो, या फिर एक का दे रहे हैं तो एक का नाम डिलीट करके दूसरे को रहने दे सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे क्लास में मैंने 5th to 12th लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप लोग अपने कोचिंग सेंटर में 5वीं क्लास से 12वीं क्लास का कोचिंग दे रहे हैं तो यहाँ पे रहने दे सकते हो, या फिर 1 से 12वीं तक दे रहे तो 1 से 12वीं कर सकते हो। इसके लिए 3 डॉट के नीचे जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी क्लास लिखा हुआ है वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी क्लास का कोचिंग दे रहे हैं यहाँ पे अपडेट करके ओके कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टेक्ट अस में मैंने मोबाइल नंबर डाला हुआ है। यहाँ पे 7 डेज का डेमो दिया हुआ है। तो अगर आप लोग अपने कोचिंग सेंटर में डेमो दे रहे हैं तो यहाँ पे रहने दे सकते हो या फिर इसे डिलीट कर सकते हो और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो इंटर साइंस न्यू बैच स्टार्ट 14th अप्रैल 2023 लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग कोई नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हो या फिर इसे डिलीट कर सकते हो। इसके लिए 3 डॉट के नीचे जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी इंटर लिखा हुआ है वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपडेट करके ओके कर देंगे। अब दोस्तों, इस पोस्टर को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करें, इसके लिए शेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। इमेज फॉर्मेट में JPG या PNG सिलेक्ट करेंगे। क्वालिटी डायमेंशन में अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग को किसी फेस्टिवल का या अपने शॉप का बैनर बनवाना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।
जिससे आप लोग मोबाइल से ही पोस्टर बना सको। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।